हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड ओके, स्टार्ट करेंगे फुल ट्यूटोरियल। मैं शूट कर रही हूँ एंड ये मेरा रूम है, थोड़ा सा मैसी है तो इग्नोर करना। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये ब्यूटीफुल सा लुक कैसे क्रिएट किया है, वो भी समर में। समर चल रहा है, समर सीजन चल रहा है, तो समर सीजन में मैंने लुक क्रिएट किया है और वो भी बाहर बालकनी में बैठ के, और एक भी बूंद मेरी स्वेटिंग की नहीं है। बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ इस वीडियो में आगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मेकअप करना। मैं सारा सामान लेकर बालकनी में बैठ गई थी आराम से, नीचे ट्राइपॉड वगैरह अप्लाई करके, और सारा सामान भी मैंने रख लिया था। बट है ना, अपने रूम में शूट ना करके बाहर शूट किया ना मैंने, तो मुझे आना जाना बहुत लंबा पड़ गया। एंड ओके, आपके लिए मैं इतना कर ही सकती हूँ। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं टोनर से। तो मैंने अप्लाई कर लिया है यहाँ पर टोनर, ये रोज़ वाटर है। आप कोई सा भी रोज़ वाटर ले सकते हो, या मार्केट में बहुत सारे टोनर अवेलेबल है, आप टोनर भी ट्राई कर सकते हो। तो ये टोनर ही है, ऑफ कोर्स रोज़ वाटर भी आप ले सकते हो। तो इसको मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है क्योंकि जो समर सीज़न है ना, वो बहुत ही गर्मियों का होता है। अपनी स्किन को हाइड्रेटेड फील कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं क्या करती हूँ, ये टोनर अप्लाई करती हूँ, डैप डैप करती हूँ, तो मेरी सारी स्किन हाइड्रेटेड हो जाती है, मतलब रेडी हो जाती है मेकअप करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अच्छे से टाइम लेकर स्किन केयर पे फोकस कर रही हूँ। एंड देन मामाअर्थ का मॉइस्चराइजर लिया, ये एक्चुअली मैंने ठंडी के मौसम में लिया था बट समर तक ये चल रहा है, तो मैंने इसको अप्लाई कर लिया। और बाय द वे, क्या होता है, अलग अलग सीजन के अलग अलग मॉइस्चराइजर होते हैं, तो मेरे पास रखा हुआ था और ये थोड़ा सा यू नो मॉइस्चराइजी है। समर में जैसा जेल वाला यूज़ करती हूँ मैं, बट जेल वाला ना यूज़ करके मैं ये मामाअर्थ का मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। आपको जो बेटर लगे आप वो वाला मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो। तो मॉइस्चराइजर को अच्छे से मैं आज कर रही हूँ ताकि अच्छे से स्किन में चला जाए, रूखी सूखी स्किन ना हो, क्योंकि मैंने फेस को वॉश किया है दो बार तो स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मॉइस्चराइजर अच्छे से अप्लाई करो। ओके, तो यहाँ पर मैंने स्किन केयर कंप्लीट कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा वेट करूँगी, उसके बाद मैं सनस्क्रीन अप्लाई करने वाली हूँ। सनस्क्रीन में शुगर का अप्लाई कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया, बहुत ही अच्छा वाला सनस्क्रीन है ये। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि चिपचिप कर रही है, बिल्कुल वाइट कास्ट दे रही है। सनस्क्रीन की बहुत ही गंदी वाली आदत होती है कि बहुत ही ज़्यादा वाइट कास्ट दे देती है, और ये थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई कर लिया मैंने एक्साइटमेंट में, और ये बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस है इसका। आप ज़रूर ट्राई करना, समर सीज़न चल रहा है यार, तो आपको अगर अच्छा वाला सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो ना तो आप ये ट्राई करो। मैं चेहरे पर भी अप्लाई कर रही हूँ, इतना ज़्यादा निकल ही गया है, कहाँ फेंकूंगी उसको यार मैं। तो अब पूरे चेहरे पे अप्लाई कर लिया है और नेक पर भी अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा सा मसाज करना ज़रूरी है क्योंकि तुरंत ब्लेंड नहीं होता कोई सी भी चीज़ आपकी स्किन में, तुरंत ब्लेंड नहीं होती है। थोड़ा सा बच्चा कुचा मैं हाथों पर भी अप्लाई कर लूँगी क्योंकि समर का सीज़न आ गया और मैं बालकनी में बैठी हूँ गाइस, तो आप इमेजिन कर सकती हो मुझे कितनी गर्मी लग रही है। अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया है सनस्क्रीन, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। और गाइस, अभी तक मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है यार, तो सब्सक्राइब करो, और बहुत सारे कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। और मैंने अजमेर का ब्लॉग भी जल्दी डालने वाली हूँ यार, अगर आप चाहते हो कि आप मेरे ब्लॉग देखना तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, और ऐसी मोर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो यार, एंड थैंक यू सो मच आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। और अब मुझे बहुत गर्मी लगने लगी है, अब मैं आगे का मेकअप कर रही हूँ। ये मेरा प्राइमर है, प्राइमर ऑयल वाला प्राइमर है ताकि मेरी स्किन पर थोड़ा सा ग्लो आए। वैसे तो ग्लो भर भर के है, फिर भी ठीक है, चलता है थोड़ा बहुत। और यहाँ पर मैंने अच्छे से ये ऑयल वाला प्राइमर अप्लाई किया है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको ज़रूर स्किप करें, आप जेल फॉर्म में पोर वाला ज़्यादा ले तो ज़्यादा बेटर होगा। बट ये थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैंने सोचा इसको ख़त्म ही कर देते इस वीडियो में यूज़ करने के बाद। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया, बट ये ना विंटर के लिए बहुत ही अच्छा वाला प्राइमर है। विंटर में तो इतना ग्लो देता था ना मेरे चेहरे पर, मज़ा आ जाता है, इसलिए मैंने इसको बचा के रखा है। तो अब ये ख़त्म हो चुका है, अगर आपको ट्राई करना है तो आप अमेज़ॉन से फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। और मसाजिंग अच्छे से कर ली है मैंने, और गर्मी भी हो रही थी थोड़ी बहुत और भूख भी लग रही थी मुझे। ये देखो, बहुत गर्मी और भूख, तो मैं यहाँ सेव परमल भी खा रही हूँ बैठ के बालकनी में, खाने के साथ मेकअप दोनों इन्जॉय कर रही हूँ। और ये मम्मी ने बनाए थे मुरमुरे घर पर ही, और मैं इसको खा रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। फटाफट से यार जल्दी से क्लिप हटे तो मैं आपको मेकअप बताऊं। यहाँ पर मामाअर्थ का मैंने फाउंडेशन लिया है, बहुत अच्छा वाला फाउंडेशन है, मतलब समर के लिए लाइट वेट है और अच्छे से ब्लेंड भी होता है, कवरेज इतनी ज़्यादा नहीं है, बट इसको आप अच्छे से ब्लेंड करोगे तो कवरेज भी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। एंड एक पंप ले लिया, एक पंप इनफ है, ज़्यादा नहीं, एक पंप में काम हो जाता है।
और ज़्यादा ले लोगे तो फिर बोलना मत कमेंट करके कि दीदी मेरा पैची हो गया, फाउंडेशन डार्क हो गया, या मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसा मैं बताती हूँ वैसा ही मेकअप करोगे तो आपको जो मेकअप है ना रिजल्ट वैसा की वैसा ही मिलेगा। तो डॉटिंग फॉर्म में अप्लाई करना है, बिल्कुल एकदम से ज़्यादा नहीं लेना है, डॉट फॉर्म में लो, अच्छे से अप्लाई करो। और नेक एरिया पे अप्लाई करना मत भूलना, ईयर्स पे अप्लाई करना मत भूलना, वरना आपकी मुंडी अलग दिखने वाली हो, गर्दन अलग दिखेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और यहाँ पर मैं भूल गई थी कलर करेक्ट करना, तो वो मैंने कर लिया है। और फिर अब हम ब्लेंड करने वाले हैं ब्यूटी ब्लेंडर से। ब्यूटी ब्लेंडर से आप ब्लेंड करो, ब्यूटी ब्लेंडर लो, ब्रशेस लो, और सारे के सारे आपको मिल जाएंगे अमेज़ॉन पे। और ब्यूटी ब्लेंडर को हमेशा आपको स्क्वीज करके ही अप्लाई करना है या यूज़ करना है। और ये बहुत ही स्पॉन्जी वाले ब्यूटी ब्लेंडर मुझे मिले हैं यार, मतलब पैसा वसूल है, पैसा वसूल ब्यूटी ब्लेंडर। और अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया है फाउंडेशन भी, और इससे मेरा जो चेहरे पे जो भी थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन थी वो सारी कवर हो गई है, और यू कैन सी मेरा बेस फ्लॉलेस बन गया है। आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हो अपने बेस को फ्लॉलेस दिखाने के लिए, और डैब 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 मैं कर ही जा रही हूँ ताकि मेरा कुछ भी फाउंडेशन इधर उधर ज़्यादा ना रहे। इवनली मेकअप को रहना फेस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब मैं अप्लाई करी हूँ कंसीलर, ये मेबलिन का कंसीलर है, नहीं स्विस ब्यूटी का मेरा फेवरेट वाला है, कवरेज भी बहुत अच्छी देगा, प्राइस भी अफोर्डेबल है, तो आप ये कंसीलर ज़रूर ट्राई करो। और इसको मैं अप्लाई करी हूँ अंडर आइज़ पर, फॉरहेड पर एंड टिप ऑफ द नोज, चिन पर, थोड़ा सा माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन के लिए। एंड इसको थोड़ी देर आप ड्राई होने दे सकते हो, ड्राई हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, कवरेज और ज़्यादा मिलेगी। तो तब तक मैंने अपने आईब्रो को फिल कर लिया, छोटू सा लिया है मैंने ब्यूटी ब्लेंडर, छोटू वाला जो अंडर आइज़ के लिए, अंडर आइज़ में फिट होता है, उससे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और कवरेज मुझे अच्छी खासी मिल चुकी है। अब मैं फटाफट से ना मेकअप को सेट करती हूँ, क्योंकि मुझे बालकनी में बहुत गर्मी लग रही थी। जब तक मेकअप को सेट ना करो ना, तब तक वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं बनता है। तो आप लूज़ पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर अपनी वैनिटी में ज़रूर रखो, ताकि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बने, या टचअप के लिए भी आप अपने पर्स में रख सकते हो। एंड यहाँ पर ब्लेंड अच्छे से हो गया है, और थोड़ा सा अंडर आइज़ को ब्राइट करने के लिए मैंने वाइट कलर का कंसीलर अप्लाई कर लिया है, ताकि मेरी अंडर आइज़ थोड़ी ज़्यादा ब्राइट दिखे, मेरा आई शेडो उभर के दिखे, और मेरा जो फेस है ना खासकर डल ना दिखे। ओके, थोड़ा सा आईलिड पर भी, वैसे मुझे आईलिड पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी पिगमेंटेशन मुझे वहाँ नहीं है। और बेकिंग कर रही हूँ मैं मार्स के लूज़ पाउडर से, बहुत ही अच्छा वाला लूज़ पाउडर है, येलो फॉर्म में है, और ये रहा पैलेट। इसमें से हम बहुत सिंपल वाला जो लुक क्रिएट करने वाले हैं, लाइक सबसे पहले मैं ब्राउन कलर अप्लाई करूँगी क्रीज एरिया पर, थोड़ा सा ब्राउनिश डार्क ब्राउन अच्छे से ब्लेंड करेंगे, अप्लाई करना है ब्लेंड करना है। एंड लिड पर मैं ऑरेंज कलर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ड्रेस थोड़ा सा रंगीन है, कलरफुल है। ओके, लाइनर अप्लाई करो, लाइनर तो मस्ट है, विंग लाइनर के बिना तो आपका मेकअप ही इनकम्प्लीट है। विंग लाइनर अच्छे से अप्लाई करो, लिक्विड लाइनर यूज़ कर रही हूँ मैं मेबलिन का, एंड यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो जाता है मेरा लाइनर। और अब मैं लूज़ पाउडर को थोड़ा सा डस्ट ऑफ करने वाली हूँ, ताकि बेकिंग ज़्यादा देर तक नहीं रखनी है आपको, बस थोड़ा बहुत रख लो और फेस को सेट कर सकते हो आप। नेक एरिया को वही जो लूज़ पाउडर था उसी को पूरे फेस पर सेट कर लिया है। ब्लश अप्लाई कर रही हूँ मैं, लिक्विड वाला नहीं है, टिंट मुझे आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो मैंने टिंट अप्लाई कर लिया चीक्स पर। कोई ब्लश पाउडर वाला कुछ नहीं, लॉन्ग लास्टिंग टिंट है, और अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगा। और ब्रशेस सब कुछ आपको मिल जाएगा अमेज़ॉन पे, शुगर के ब्रशेस है, मैं बैली के ब्रशेस भी यूज़ करती हूँ, और भी बहुत सारे ब्रांड के मेरे पास ब्रशेस है। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने ब्लश अप्लाई कर लिया है, थोड़ा सा लाइट वेट ही मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, और नोज़ पर भी अप्लाई करती हूँ, थोड़ा सा रेडिश इफेक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड बस कितना ब्लश अप्लाई करूँगी मैं। और अब मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, हाइलाइटर मेरा मोस्ट फेवरेट, ये मैंने लिया है, आई गेस मैंने लिया है कलर बार का हाइलाइटर, और ये बहुत ही अच्छा वाला हाइलाइटर है। और इसको थोड़ा सा स्प्रे फॉर्म में स्प्रे अप्लाई करो ब्रश पे, एंड देन अप्लाई करोगे ना हाइलाइटर, तो आपका जो हाइलाइटर है वो बहुत ज़्यादा उभर के आएगा, और यू कैन सी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन भी देगा, भले ही उसमें पिगमेंटेशन ना हो फिर भी आपको पिगमेंटेशन मिलेगी। और चिन पर अप्लाई करो, क्यूपिड्स बो, फॉरहेड पर, टिप ऑफ द नोज पर, अच्छे से अप्लाई करना है आपको, और थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके अप्लाई करो, ज़्यादा नहीं यार, ज़्यादा से क्या होता है, मतलब
पैची दिखने लगता है. तो थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लो एंड अप्लाई करो. मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे, शुगर का वाटरप्रूफ है और मैं इसको बहुत टाइम से अप्लाई कर रही हूँ. और अदर ब्रांड्स की भी मस्कारा पड़े हुए हैं, स्विस ब्यूटी का है, मार्स का है, आप ये भी ट्राई कर सकते हो. तो यहाँ पे मस्कारा बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो गया है. लोअर लैश लाइन पर भी मैं अप्लाई करूँगी. दोनों पे अप्लाई करने से आपकी लैशेस अच्छी दिखेगी और आंखें बड़ी बड़ी सुंदर दिखेगी, तो कॉम्प्लीमेंट आपको ज़रूर मिलेंगे. ओके, ये ध्यान रखना. और लोअर लैश लाइन पर थोड़ा सा ब्राउन कलर अप्लाई कर रही हूँ. काजल अप्लाई कर लूँगी. काजल आपको ब्लैक, वाइट, कलरफुल, जैसा आप चाहो वैसा आप अप्लाई कर सकते हो. और लोअर लैश लाइन को आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है, तो ताकि आपकी जो आईज है ना वो कंप्लीट दिखे. ब्राउन कलर अप्लाई करो या आप कलरफुल. और मैंने थोड़ा सा येलो कलर का लाइनर भी अप्लाई किया है एंड शुगर की लिपस्टिक भी अप्लाई करी है. और ब्राउन कलर की लिपस्टिक मैंने अप्लाई करी है. आप कलरफुल ट्राई कर सकते हो, न्यूड ट्राई कर सकते हो. तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा न्यूड कलर लिया है, यू नो समर है. और अपने जो लाइनर है उसको मैंने डबल क्रिएट किया है, इसलिए थोड़ा सा न्यूड कलर की लिपस्टिक रखेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. और फेस को सेट कर लेना आप अच्छे से सेटिंग स्प्रे की हेल्प से. बट मुझे यहाँ पे मेकअप तो उतारना है यार, तो मैं ये वाला पार्ट स्किप कर देती हूँ. अभी फटाफट ज्वेलरी वेयर करके वापस आती हूँ. गाइज थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को देखा पूरा एंड तक. तो ओके, कैसा लगा ये वाला लुक मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके. एंड ओके, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय. इफ यू लाइक व्हाट यू हियर देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू रिसीव नोटिफिकेशन एवरी टाइम आई रिलीज अ न्यू वीडियो.